नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका धरोहर कार्यक्रम में। दोस्तों, धरोहर के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी कफन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर घीसू और उसका बेटा माधव दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर माधव की बहू बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली चीख निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तू मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता, माधव ने दो टुक कहा। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फांके हो जाते तो घीसू पेड़ से लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब वह पैसे रहते तो दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति न थी, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके जी रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी प्रकार से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर बहू मुझसे ले जाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह भी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उससे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी, घीसू ने कहा। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सूंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे कल भुला कर रुपये देंगे,
मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह के मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सिक मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसके मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जान तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भीता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए, वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे। इससे दोनों जल्द जल्द निकल जाते, हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसके याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का और भरपेट खाना नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, 1 रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊँ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते थे कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते, मगर वह थे कि दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सोचती है, शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सोचती है। तुमने 20 पुड़िया खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा लेता, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी, अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़ कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आँखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए, और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को सांत्वना देने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए, वह दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादा कर काम पर न आने के लिए। पूछा,
क्या है भिखिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, वह हमें दगा दे गई, अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसके मिट्टी को पार लगाएगा, हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया, सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसु पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, जी में तो आया कह दें चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश, लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था, जी में कुढ़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला, उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता, घिसु जमींदार के नाव का ढिंढोरा भी पीटना जानता था, किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने, 1 घंटे में घिसु के पास 5 रुपये की अच्छी रकम हो गई, कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसु और माधव बाजार से कफन लाने चले, इधर लोग बांस वांस काटने लगे, गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उसकी मिट्टी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घिसु बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल ही गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी नहीं मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज के दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर, तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं, यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घिसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहब जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां तबाह तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए। घिसु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपने निष्पापता का साक्षी बना रहा हो, दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों का विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसु ने 2 सिर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी, माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा।
माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसु ने इस सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक के बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने भरा था। घीसु गुस्सा होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुँह में कुल्हड़ लगा देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितनों तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएँ यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आँखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास के लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आँखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। पियकड़ों की आँखें इनकी ओर लगी हुई थीं और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।